तीन प्लांट की जिम्मेदारी जो है सीनियर लोगों को दी जाएगी, एक प्लांट डायरेक्टर सर करेंगे और डायरेक्टर सर की खुद की जिम्मेदारी होगी कि टाइम टू टाइम उसको देखना और उसको पानी देना, ताकि डायरेक्टर सर खुद अपनी जिम्मेदारी में लेंगे। एक प्लांट हमारा और जैन सर का रहेगा और हम लोग उसकी देख रेख करेंगे। तीसरा प्लांट जो है प्रोफेसर सी एस कोहली और डॉक्टर अनुपा तिवारी का रहेगा और ये उसकी समस्या का देख रेख करेंगे। और साथ साथ में ये चर्चा भी है हेड के साथ कि जब भी किसी भी फैकल्टी का बर्थडे होगा तो हेड ये सुनिश्चित करेंगे कि हेड अपनी उस फैकल्टी को पूरा डिपार्टमेंट मिलकर एक सैपलिंग गिफ्ट करें, ताकि उस सैपलिंग को प्लांट किया सके और वो फैकल्टी उसकी जिम्मेदारी लें। हम बजाय कुछ और गिफ्ट करने के, समोसे मंगवाने की, सैपलिंग गिफ्ट करें 50 रुपये की, 100 रुपये की, 150 रुपये की, 200 रुपये की जो भी आती है, और अपना फर्ज जो रियल में वो निभाएं। वाटर कंजर्वेशन की हम बातें करते हैं लेकिन कई बार पानी रिश्ता रहता है, नल खुला हुआ छोड़ जाता है, तो हमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। और आप सभी बच्चों को इसलिए बुलाए गए हुए हैं कि आप लोग बड़ा अहम किरदार निभा सकते हैं एनवायरमेंट के लिए। तो आप सभी लोगों से, बच्चों से हमारी गुजारिश है, स्टूडेंट्स से हमारी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इस तरह की परंपरा आपस में विकसित करें। अपने क्लास में बात करें तो जब भी बर्थडे होगा तो हम एक सैपलिंग प्लांट करेंगे। अगर ये परंपरा बन जाएगी तो ये श्रीराम कॉलेज का कैंपस काफ़ी हरा भरा हो सकता है और जिम्मेदारी भी लेंगे। उदाहरण के तौर पर थर्ड ईयर में मान लीजिए प्रतीक्षा का बर्थडे है तो पूरा थर्ड ईयर डिसाइड करें कि प्रतीक्षा को हम सैपलिंग गिफ्ट करने वाले हैं और प्रतीक्षा उसकी जिम्मेदारी लेगी, उसमें पानी देना, जब भी आएगी अपनी बोतल से पानी भर के लाएगी, उसमें पानी डालेगी। तो इस तरह की परंपरा आप बच्चे भी बनाएं क्लास के अंदर, हम फैकल्टी मेंबर्स भी बनाएंगे और ये बहुत बेहतरीन कदम होगा आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं हम सब लोगों की पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी की इस तरह की।